नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर टिकेश वैष्णो से। टिकेश ने 12th क्लास में पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। उनके 97.80% मार्क्स आए हैं। एक मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले टिकेश ने पूरे राज्य में टॉप किया है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और तमाम दुश्वारियों को झेल कर एक ऐसे गाँव में जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, तमाम बिजली रेगुलर नहीं आती, तमाम सारी बाधाएं थी, लेकिन इन सारी बाधाओं को पार करके टिकेश ने पूरे राज्य में टॉप किया। वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। मुंगेली जिले से मेरे साथ जुड़ रहे हैं टिकेश और हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, ये पढ़ाई के आपको टिप्स देंगे और जो एक जिंदगी की आम चीज़ें हैं, मतलब वो क्या की फैक्टर होता है जो कि स्टूडेंट को टॉपर बनाता है, इतना कामयाब होता है। इन सारी बातों के बारे चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करेंगे। मुंगेली से जुड़ रहे हैं टिकेश, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पिछले 24 घंटे में किस तरह आपकी लाइफ बदली है? बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम जी। और 24 घंटे में मतलब रिजल्ट आया है तब से, तो अभी एक पल भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं मतलब बिजी ना रहा हूँ मेरा फोन या फिर मैं बिजी ना रहा हूँ। मतलब लगातार कोई ना कोई मिलने आना और चलते गए ये सब। तो अचानक से किस टाइप की आपको फीलिंग आ रही, मतलब अगर देखें तो दो दिन पहले तक आप एक छत्तीसगढ़ के एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, लेकिन जब से कल से ये रिजल्ट आया और 12th क्लास में पास किया, ना केवल आपका नाम, आपके ज़िले का नाम, आपके मम्मी पापा सभी को एक बहुत बड़ी शोहरत, कामयाबी और बहुत बड़ा सम्मान मिला है, किस तरह की फीलिंग, क्या एहसास है इस समय? पहले तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे फैमिली के लिए, मेरे स्कूल के लिए, क्योंकि मतलब एक ऐसा डिपेंड कर जाता है कि जनरली होता नहीं है, मतलब आजकल तो हो ही रहा है कि कोई गांव का लड़का है या फिर विलेज स्मॉल टाउन का, उसके अगर इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि जगह मैटर नहीं करता उतना, अगर जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ सकता है ऐसा टाइप जी। अच्छा, और जैसे अगर मैं भाई वही कहूँगी 24 आवर्स में कब बहुत कुछ बदला है, कभी आपको ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, आप पूरे राज्य में टॉप करेंगे, कभी इस बात का एहसास था आपको? नहीं मैम, अगर उम्मीद की बात है तो ऐसा तो नहीं था। हालांकि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए थे, इतना मेरे को पता था कि एक अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं और एक अच्छे परसेंट के साथ पास होने वाला हूँ मैं, लेकिन ये पता नहीं था क्योंकि हर बार ये जो टॉप रैंक है उसका परसेंटेज वेरी करता है, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि आप आ जाओगे या फिर आपका परसेंट सही आएगा कि गलत, मतलब कि सॉरी आपका अच्छा आएगा कि मतलब रैंक में आ रहे हो कि नहीं, ये मतलब डिपेंड करता है कि आप बाकी लोग का मतलब कि कितना परसेंट आया है। तो उम्मीद तो था नहीं, मतलब किसी को भी नहीं रहता। अच्छा, तो जब आपको सरप्राइज वाला मोमेंट था। बिल्कुल, जब आपको पहली बार किसने कॉल किया, कैसे इन्फॉर्म आपको किया गया कि आप टॉपर हैं और फिर उस समय क्या लगा? ये सबसे पहले वेबसाइट में चेक कर रहा था मैम, तो आप जानते हो कि जब हजारों लोग वेबसाइट में जब वो करते हैं, एंटर करते हैं, तो वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर नहीं खुलता, हैंग करने लगती है। यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही थी कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो जब न्यूज में मेरा नाम आया तो एक दोस्त ने मेरे को फोन करके बताया, तो पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहे हैं क्योंकि दोस्ती में तो ऐसा ही होता है, तो फिर बाद में रियलाइज हुआ जब मैं खुद न्यूज देखा तो मैं देखा कि हाँ मेरा नंबर आ गया। फिर बाद में वेबसाइट वगैरह खोला और टीचर लोग मेरे को दिखाया मेरा रिजल्ट, तब लगा कि हाँ ये हो गया करके। बिल्कुल। अच्छा टिकेश, आपने टॉपर हैं आप छत्तीसगढ़ के, ये बात सबको पता चल गई। अब आप अपने गांव के बारे में बताइए, आप मुंगेली जिले के लेम्हा गांव से आते हैं, ये गांव किस कितनी कितनी कैसी आबादी है, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह के स्कूल हैं? जैसे अभी भी हमने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की तो बहुत इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आजकल आप देखिए, हाँ बिल्कुल, आजकल आप देखिए बड़े शहरों में तो इंटरनेट एकदम फास्ट और लोग तमाम बच्चे ऐप से और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने गांव के बारे में बताइए, किस तरह की सुविधाएं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पे सड़कें कैसी हैं, बिजली की क्या व्यवस्था है, इंटरनेट की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, यहाँ इंटरनेट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है मैम, इनफैक्ट यहाँ कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं है जो अच्छे से चल जाए,
और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 12th के स्टूडेंट को हमेशा एक ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहना पड़ता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि हमारा नेट उतना फास्ट भी नहीं है और ना और कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता। और जरा रही गांव के एटमॉस्फेयर की, तो हाँ गांव तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो काफी फ्रेंक है सबके साथ। और एक ऐसा है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां तो लगभग सभी एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड हो। तो और यहाँ एक गांव में भी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, बस बस 5th क्लास तक है वो। तो आपने जो 12th की पढ़ाई की, तो क्या आप अपने गांव से कितनी दूर जाते थे? आपका स्कूल कितनी दूर है गांव से? मेरा स्कूल एक्चुअली सिटी में है, मुंगेली में, अच्छा, तो मैं जाता था कि लगभग लगभग 7 से 8 किलोमीटर में। ओके। आपके घर से करीब 8 किलोमीटर स्कूल है आपका? जी। ओके। तो गांव में कैसा, लाइट आती है? हाँ मैम, गांव में लाइट आती है, लेकिन कई बार बस है कि प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब रात को लाइट चली गई, जैसे अभी बारिश का मौसम आया ना, तो इस बारिश के मौसम में ज्यादातर पानी गिरता रहता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि रात को लाइट ऑफ हो, तो हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। तो मतलब ऐसा नहीं, आपके गांव में ऐसा नहीं कह सकते कि 24 घंटे बिजली आती है, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, 24 घंटे तो नहीं है, बहुत है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिन भर रहता है, मतलब बीच बीच में एक ब्रेक होते रहता है हमेशा। अच्छा, तो क्या आप ये बताइए, गांव में आप रहते हैं, कभी और चीज़ों की प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी कैसी है? जैसे रोड वगैरह है, कन्वेंस है, आप स्कूल जाना चाहते हैं या बड़े शहर में आना चाहते हैं, आप रायपुर पहुंचना चाहते हैं, तो कैसी कनेक्टिविटी वगैरह है वहाँ पे? यहाँ पे बस मेरे गांव से ना निकलते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड आ जाता है, तो उसमें जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो चलती है, ओके। जैसे बस है और जितने भी, मतलब यहाँ से मान लो दूसरे सिटी जाना है और दूसरे जिला जाना है, तो उसके लिए बस की सुविधा है पूरी। ओके। और मुंगेली में तो खैर रेलवे है नहीं, अभी आया नहीं अभी तक, तो अच्छा, मुंगेली में रेलवे नहीं है अभी? कनेक्टिविटी की बात, जी कनेक्टिविटी की बात है, तो वही ज्यादातर या तो मोटरसाइकिल और यही जो नॉर्मल रहता है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि असुविधा होता हो यहाँ किसी को आने में, ऐसा नहीं ओके। है। अच्छा, अब आप अपने परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कितने आप भाई बहन हैं, पापा क्या करते हैं, फैमिली के बारे में बताइए। अच्छा जी, परिवार में सबसे पहले मेरे मम्मी का हाउस वाइफ है, पापा का एक दुकान है, दुकान में काम करते हैं वो, और मेरा भाई है वो इंजीनियर है, और वो अभी रिसेंटली गुड़गांव में है वो। ओके। तो आपके भाई, उन्होंने कहाँ से इंजीनियरिंग कहाँ से की उन्होंने? उन्होंने भी गांव में रह के पढ़ाई की? नहीं, हाँ उन्होंने गांव में रह के पढ़ाई की, मेरे मतलब मैं जिस विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ता हूँ मुंगेली में, तो उन्होंने भी अपनी जो 12th तक की एजुकेशन है वो सरस्वती शिशु मंदिर से की, फिर एंट्रेंस एग्जाम से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था जगदलपुर का, तो उसके थ्रू उन्होंने इंजीनियरिंग की, अपनी सिविल इंजीनियरिंग की, फिर वो अभी गुड़गांव में। अच्छा टिकेश, आपकी जो स्टोरी है वो बहुत मोटिवेशनल है। जैसे आपने, आप एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं और बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं होती, बिजली रेगुलर नहीं आती, इंटरनेट आज इतना उपलब्ध नहीं है, जिस तरह की आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, एडवांस स्टेजेस पे लोग बच्चे चले गए हैं, लोग ऐप्स ऐप कर से पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ऐसे में कभी आज, लेकिन अब जब भी खबरें आती हैं तो ज़्यादातर जो टॉपर हैं आपके 12th की भी, जो 10th की भी टॉपर है, वो भी एक मुंगेली जिले से आती है, गांव से आती है, और बाकी भी बिल्कुल राज्यों का अगर देखें, हमने बिहार का भी इस बार एक टॉपर, वो भी एक छोटे से गांव से आता है। कभी आपको जी। मैं अगर पूछूं, क्या बात है आजकल बच्चे जो हैं गांव के बच्चे ही क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, और क्या ये जो बाधाएं हैं सुविधाओं की, ये कहीं हर्डल पाते हैं आप? नहीं मैम, गांव के जो बच्चे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के बच्चे ही आ रहे हैं, हाँ मैं ये देखा हूँ इस बार लिस्ट में ज्यादातर लोग गांव से हैं और ज्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही है। मैं बिल्कुल। एक प्राइवेट स्कूल से हूँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से हूँ, पर जैसे प्रज्ञा प्रज्ञा कश्यप जो 10th में आप हाँ, बताए कि टॉप की है, वो भी एक सरकारी गवर्नमेंट, स्कूल हाँ से ही गवर्नमेंट पढ़ी स्कूल है, से, तो हाँ। ऐसे कोई जो गांव वाला चौंकने वाली कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि सबका दिमाग तो एक ही जैसा रहता है, ऐसा कोई ऊपर नीचे तो है नहीं कि शहर में तो ज्यादा डेवलप, हाँ परेशानियां होती है, पर
कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जैसे कि हम लोग को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है अपने स्कूल के लिए, उसमें बहुत सारा हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इन सब से ऐसे टाइप की परेशानियां आती है। और कई बार जैसे कुछ एग्जाम्स के लिए हमको जाना है तो भी हमको यहाँ से पहले आधे घंटे पहले निकलने पड़ते हैं। तो बिल्कुल ये सब थोड़ा बहुत तो दिक्कतें होती है गाँव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो प्रेशर। ठीक है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, शायद इसी वजह से आपने पूरे राज्य में टॉप किया। ये जो हौसला होता है कि नहीं ये प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती, अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ब्रेन तो सबका एक जैसा, चाहे कोई बच्चा शहर में रहे या गाँव में रहे, आपका माइंड है अगर उसको आप यूटिलाइज करते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। अब मैं आपके रिजल्ट पे आती हूँ टिकेश, आपके 97.80% मार्क्स के आपने हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर आपने किस सब्जेक्ट में किया है? मैथ्स में मैम मैथ में। 99, अच्छा, मैथ में यस। आपके 99% मार्क्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी मार्क्स आप बताइए। बाकी जैसे हिंदी में वो 96 है, फिजिक्स में 93, इंग्लिश में 93 और केमिस्ट्री में 98। ओके। तो अच्छा, तो अभी आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका आगे का क्या प्लान है आपका? मैं बीटेक करना चाहता हूँ मैम आगे। तो अभी से, अभी आपने 12th का एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी कंपटीशन की तैयारी, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे थे क्या आप? जी मैम, जेई वगैरह की तैयारी में जुड़ा हुआ था, पर वही आपको बताया जैसे कि कंपटीशन एग्जाम के लिए माहौल कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, मतलब उस टाइप की उस लेवल की तैयारी हो नहीं पाती। यूट्यूब वगैरह से और जो एजुकेशन ऐप वगैरह से कई बार कुछ मतलब की तैयारी करने का ट्राई किया हूँ मैं, लेकिन वही कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो कभी किसी और चीज़ की, तो कभी ऐसा लगता है कि यहाँ माहौल नहीं है उस टाइप का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए एक कंपटीशन का माहौल चाहिए बिल्कुल होता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वो ऑल इंडिया का एग्जाम है और बहुत बड़ा एग्जाम होता है वो, तो तो आ इसमें ठीक थोड़ी बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। इस समय चूंकि आपने टॉप किया और सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और आप मुंगेली जिले से आते हो, और एक बार ये तो बिल्कुल तय हो गया, मुंगेली जिले ने दो टॉपर दिए हैं, 10th का भी 12th का भी, तो ये बिल्कुल तय हो गया कि उस पूरे इलाके में बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड है हमारे गाँव में, कस्बों में। अगर आपको बहुत लोग सुन रहे होंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, गाँव के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी फील्ड में जाएं, आप किस तरह की सुविधाएं क्या चाहते हैं? हाँ मैम, वही जैसे कि हम लोग का बात है कि हम लोग को यहाँ से शहर जाना पड़ता है एक पूरे 12th के लिए, तो ये ना हो करके 3-5 किलोमीटर ना हो करके गांव में अगर प्राइमरी तक का स्कूल है तो हो सकता है कि गांव में थोड़े दिन बाद पूरे 12th तक का भी स्कूल चालू हो जाए। तो ओके जितने से जल्दी हो सकता है, लोगों का मतलब एक रहता है कि माँ बाप के सामने रहते हैं पहले, तो खास करके लड़कियों को भेजने से कुछ लोग कतराते हैं, आपको बिल्कुल समझ हाँ सकते हैं इस बात हाँ को, बिल्कुल बिल्कुल तो ये वाली बात आ जाती है कि दूर नहीं जाए तो गांव में ही अगर हो जाए तो ये प्रॉफिट होगा हमारे लिए। दूसरा बात है कि इसमें जैसे जितने ज्यादा टीचर्स के उतने ज्यादा मतलब टीचर्स भी लेने पड़ेंगे, तो इसमें हमारी वो जो जॉब की फैसिलिटी वो भी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे इसमें, तो मेरे हिसाब से इसमें तो फायदा ही है। तो आप कह रहे हैं कि गांव में भी 12th तक या ग्रेजुएशन लेवल तक स्कूल होने चाहिए ताकि बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े। और क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं आप? बस हाँ मैम, बस मैं कल भी इस बात को रखना चाह रहा था न्यूज के सामने कि एक स्कूल में मेरे को एक कमी लगती है कि आप जैसे कि जानते हैं आज हमारे एक्टर जो बहुत ही शानदार एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो शिकार हो गए। के उन्होंने एक आत्महत्या कर ली। स्टूडेंट के साथ जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाता है, चाहे वो बिल्कुल स्ट्रेस उसके फैमिली का हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर उसके स्कूल से हो, या कंपटीशन से हो, या फिर वो लड़का बहुत अच्छा था पहले पढ़ाई में लेकिन अब वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमारे स्कूल में एक ये नहीं रहता कि कोई हो जिससे हम लोग बैठे और डिस्कस कर सके, हाँ मतलब आप कह रहे हैं अपने यहाँ काउंसलिंग सीखने सेंटर को, होना हाँ चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, यस मैम। ये मतलब हो सकता है हम इससे हजारों जान बचा पाए, क्योंकि
मेरे हिसाब से स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस जल्दी ले बिल्कुल लेते बिल्कुल हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। हाँ तो ये टिकेश आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन आपकी बात सुन रहा होगा। एक तो गांव में हायर लेवल के स्कूल्स होने चाहिए, स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर होना चाहिए, एक तो उनकी मेंटल हेल्थ जिसे आप कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जो स्ट्रेस है, बिल्कुल डिप्रेशन है बहुत सारी, तो एक काउंसलर इसके लिए भी होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने कहा कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपके बड़े भाई हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा गाँव में बहुत सारी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, या हर बच्चा कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा सकता, तो आपको क्या लगता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हैं तो उस तरह की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कैसे गांव में रह के भी हो सकती है? जी मैम, मेन बात जनरली क्या होता है कि यहाँ लोग अभी इंटरनेट के थ्रू जुड़ना चालू किए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक के पास इंटरनेट का एकदम सही उपयोग आता हो। तो स्कूल में एक ये भी होना चाहिए कि कम से कम जो सुविधा है, जैसे आज बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ और सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, सब सर और जितने भी एजुकेशन चैनल है, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वेदांत हो, चाहे अलक पांडे सर हो, चाहे अमन दत्रवाल सर हो, बहुत लोग हैं ऐसे जो एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग को फ्री में। तो सब लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, मतलब विलेजर्स को, क्योंकि वो गांव में रहते हैं और ऐसा रहता है कि कोई उनको बताने वाला ना हो, या फिर किसी, जैसे मैं, मेरा भाई इंजीनियर है जैसे आपको पता है, तो मैं एक मतलब उसके पीछे हूँ, तो एक कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिल जाता है। और दूसरी बात, हम लोग मोबाइल का एक यूज कर लेते हैं कि जानकारी लेने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि, लेकिन उनका क्या जो मतलब जिनको जिनको नहीं पता पता ही है। नहीं है, तो अगर फ्री में कुछ अवेलेबल लेकिन उनको पता ही नहीं है तो मतलब ही नहीं होगा उसका। बिल्कुल। और टिकेश, इस समय ये तो आपने प्राइवेट चैनल्स के नाम बताए, लेकिन इस समय एचआरडी मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हाँ अभी हमने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि एचआरडी मिनिस्टर खुद बहुत एक्टिव है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक खुद बहुत एक्टिव है, वो हमेशा आके स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, जितने भी 12th 10th के स्टूडेंट्स उनके साथ भी उन्होंने बात की थी, जो हायर एजुकेशन में उसके साथ ही बात की। जैसे एक एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा ऐप उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप अभ्यास जा यही अभ्यास अभ्यास है। जिसमें जाके आप हिंदी और इंग्लिश, यानी जो बच्चे गांव में रहते हैं जिन्हें हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जेई और नीट की तैयारी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ऐप बनाया, जिसमें जाके आप रोजाना एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल में ऐसे काउंसलर होने चाहिए 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो उनकी काउंसलिंग बताएं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आपके लिए सुविधाएं, आप क्या, बिल्कुल आपने सही पूछा। और क्या आप प्रशासन से और क्या चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या-क्या होना चाहिए गांव में? गांव में तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो भी स्कूल में है वही मतलब कि एक सफिशिएंट तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है और जो हमारे मिनिस्टर साहब है, सबको पता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल। उसके बारे में अगर ऐसे सलाह देने का बात है तो मैं सिर्फ वही दे सकता हूँ जो अगर कमी हो, जैसे कि कभी भी प्रेशराइज किसी भी स्कूल में नहीं होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट की आपको परसेंटेज लाने है, क्योंकि यहाँ परसेंट का उतना वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, नॉलेज का एक ज्यादा वैल्यू होता है हमेशा, क्योंकि वो लाइफ टाइम काम आता है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप परसेंट के ठीक, पीछे सब भागने में लगे होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, परसेंट बोलिए। के हाँ ठीक है। और मैं एक और बात, अभी जो आपने सब्जेक्ट बताया, जैसे आपके मैथ में 99% मार्क्स आए, और बहुत सारे बच्चे जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे 12th का, आप ये बताइए मैथ की पढ़ाई आपने कैसे की, कौन सी बुक पढ़ी, कोई प्रकाश, कोई और भी आपने स्कूल के अलावा कोई और बुक पढ़ी, उसके बारे में टिप्स मुझे बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैथ में मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, कि मैथ मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ उतना ज्यादा वो डेवलप होते जाता है, क्योंकि अगर मैं किसी क्वेश्चन को एक टाइप से टैकल करता हूँ तो मैं उसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप भी ट्राई करता हूँ कि इस टाइप से भी वो टैकल हो सकता है कि नहीं, और जितना ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ मेरा स्पीड उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। और एग्जाम में दोनों चीज चाहिए कि हम कितने जल्दी उस चीज को पकड़ लें और उसमें हमारे स्पीड आ जाए और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर पाए। तो मेरा, और जैसे प्रकाशन की आप बात किए, तो मैं नवबोध प्रकाशन की बुक इस्तेमाल करता था मैं अपने प्रिपरेशन में। ओके।
तो ये बताइए, जो आपके स्कूल में मैथ की बुक चलती थी, वही बुक आपने पढ़ी कि उसके अलावा भी कोई बुक पढ़ी? उसके अलावा मेरे पास आरडी शर्मा की बुक थी, लेकिन उसमें मेरे को मतलब उतना ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला कि उसको भी लगा पाऊं, क्योंकि नौबोध की बुक भी काफी मोटी है, तो उसमें बहुत सारा सवाल है और सवाल के लेवल भी बहुत अच्छे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो मैं पूरा उसी को ही प्रैक्टिस किया हूँ दो दो तीन तीन बार। ओके, तो मतलब जो 12th की बुक है आपने उसको 2-3 बार पूरी कंप्लीट बार बार प्रैक्टिस की जी। आप स्कूल में ही? अच्छा, जो आपने मैथ में इतनी अच्छी कमांड हासिल की, तो वो स्कूल के टीचर्स ने ज़्यादा आपको हेल्प किया या जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो, और या आपने कोई कोचिंग या कोई ट्यूटर लिया? स्कूल के टीचर ने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि स्कूल में एक ऐसा भी होता था कि हमारा जो फ्रेंड जोन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फ्रेंड्स ऐसे हो जिसका मोटिव या फिर टारगेट आप जैसा हो, तो जो टारगेट रहता है फ्रेंड्स का, तो जब सबका सेम हो जाता है तो ये रहता है कि किसी को अगर डाउट आया तो वो तुरंत सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स के थ्रू, तो ये खाली पेट में हो जाता था। दूसरा, हमारे टीचर कभी ये नहीं रहते थे हमेशा डाउट सॉल्व करने के लिए एकदम मतलब फ्री रखे और काफी फ्रैंक रहे हमारे साथ, तो वो काफी अच्छा हेल्प हो जाता था उनसे। और ट्विटर, और सॉरी, आप जिस ट्यूशन की बात किया, तो हाँ, मैं ना मैथ्स का इंडिविजुअल क्लास लिया था उसी सर, उन्हीं सर से जो मेरे को स्कूल में पढ़ाते थे, चंद्रभान तिवारी सर है, तो उनसे मैं उनके घर जाके लेता था इंडिविजुअल क्लास, सब कई बच्चे आते थे उसमें। और इससे ना मेरे को लेना जरूरी इसलिए लगा क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोई क्लास नहीं लिया हूँ स्कूल के अलावा, मेरे को मैथ्स में इसलिए जरूरी लगा क्योंकि मेरे को लगा कि मैं मैथ्स में तब पकड़ बना सकता हूँ जब मैं उस चीज का बार बार प्रैक्टिस करूँ। तो एक बार स्कूल में और एक बार ट्यूशन में और एक बार घर में, मतलब 3 बार लगातार वो हो जाता था, तो एक अच्छी ग्रिप बन जाती थी मेरे उसमें। तो आप मैथ को कितना, आपके पास इतने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री भी थी, हिंदी इंग्लिश भी था, तो आपने मैथ को कितना टाइम दिया? मैथ्स को मैं सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को ही दिया हूँ क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो सबसे ज्यादा उसी के क्वेश्चंस लगाया हूँ मैं, तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली आधा टाइम तो उसी में गया, बाकी डिवाइड कर सकते हैं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अच्छा, मतलब 50% टाइम जो है आधा दिन आप मैथ में ही देते थे। अच्छा, कोई जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम देंगे, आप अगर वो आपसे पूछना चाहे कि मैथ को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने पूरी मैथ की बुक पढ़ी, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो कोई की फैक्टर है मैथ में कमांड हासिल करने का, आपको कोई की फैक्टर नजर आता है कि अगर ये करें तो जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे? हाँ, मैथ्स में मेरे को लगता है कि फॉर्मूला अगर याद रहे, हर फॉर्मूला एकदम सही तरीके से परफेक्टली याद रहे, तो जो वो करने मतलब क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है क्योंकि वो दिख जाता है। कई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही रहता है, वो तो तुरंत फॉर्मूला लगा के उसका आंसर आ जाता है, तो जिससे अच्छी ग्रिप हमारी फॉर्मूला सोचने में रहेगी। और प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ऐसा रहता है कई बच्चे देखते हैं एक सवाल को और दूसरा सवाल अगर उसी टाइप का है, अगर दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का, तो उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि जब दूसरे सवाल को भी उसी टाइप से या अलग टाइप से वो टैकल करते हैं तब एक माइंड उसको बार बार रीड करता है और वो रिमेम्बर भी हो जाता है, और ऐसा भी रहता है कि अब इसको कैसा टैकल कर सकते हैं पता रहता है। तो आप कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में एक तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बस, और दूसरा बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और फिजिक्स के बारे में बताइए, फिजिक्स में आपने जो स्कूल में बुक चल रही थी वही पढ़ा कि कोई और भी आपने बुक ली? फिजिक्स में कोई और बुक नहीं ली है, मेरे स्कूल में भी जो है मतलब एनसीईआरटी के अलावा नौबोध का ही बुक मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी उसकी लैंग्वेज लगी। हिंदी मीडियम के लिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो एक हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की बुक लगी, उसमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर हुआ है अच्छे से, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके हर एक चैप्टर के पीछे में जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी छपे हुए हैं विद सॉल्यूशन, तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं उसी से प्रैक्टिस किया करता था। और क्योंकि हमारे एग्जाम में डेरिवेशन ज्यादा आते हैं,
तो न्यूमेरिकल में उन एग्जाम टाइम में न्यूमेरिकल में उन उनके ऊपर फोकस किया जिससे आ सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो फिजिक्स में जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है, क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर उनको आप सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक अच्छी आपको एक नॉलेज डेवलप हो जाती है। जी, क्योंकि फिजिक्स में जब भी एप्लीकेशन अब अगर आप लगाते हैं किसी भी डेरिवेशन की, तो एक बार अगर एप्लीकेशन लगा दी, आपको सवाल लगा दिए, तो उस डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला याद हो जाता है, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो फिजिक्स की बुक के बारे, क्या फिजिक्स की बुक को भी आपने 2-3 बार पढ़ा, जैसे कि मैथ की बुक को आपने 3 बार लगा लिया, तो फिजिक्स को कितना पढ़ा आपने? मैम रिवीजन तो हर एक बुक में लगता है, लेकिन मैथ्स का रिवीजन ऐसा था कि उसका बता रहा हूँ कि 50% टाइम था, लेकिन फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ा हूँ किसी भी मतलब टॉपिक को, एक हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना, और उसके बाद जैसे थर्ड मंथली तक का सिलेबस कवर करना, फिर 6 मंथली में पूरा सिलेबस कवर करके पूरा थर्ड मंथली का रिविजन भी करना, उसके बाद ऐसे एनुअल के लिए प्रिपेयर करना पूरा, तो ये एक बार बार हो जाता है। तो जो थर्ड मंथली और 6 मंथली का जो सिलेबस रहता है वो लगभग हम लोग को अच्छे से ग्रिप रहता है उसमें, फिर बचता है जो सिलेबस आने वाला है पूरा, होल सिलेबस में थोड़ा सा सिलेबस बच जाता है, वो रहता है अपना एनुअल का, तो उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं, फिर एक वो अच्छा हो जाता है, सब में ग्रिप बन जाता है। अच्छा, फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आए थे? फिजिक्स में मेरे आए थे मैम 93। यस 93। मैम, ओके, अच्छा, और आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए। यस मैम, केमिस्ट्री में यही है कि पहली बात तो जो भी ऑर्गेनिक से चालू करता हूँ मैं, ऑर्गेनिक में जितने भी पहले नेम रिएक्शन है, चाहे वो कन्वर्जन हो चाहे वो नेम रिएक्शन हो, वो सीधा डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, और जो भी कन्वर्जन रहता है उसमें सीधा सीधा नेम रिएक्शन उठा के दिए होते हैं, तो नेम रिएक्शन है उसको पहले एक लिस्ट बना के उसको एक एक करके हर एक पूरे चैप्टर के नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक के लिख लेता था, और इनऑर्गेनिक में कुछ भी है, तो उन सब के नेम रिएक्शन एक मतलब कि एक बुकलेट बना के उसमें पूरा हर एक का मेरे पास नोट्स है कि पूरा नेम रिएक्शन लिखाया है, और उस नेम रिएक्शन को ना हर दिन एग्जाम से करीब 1 महीने पहले हर दिन उसको एक बार रिवाइज करना, तो केमिस्ट्री ऐसा है कि उसमें दिमाग से निकल बहुत ज्यादा जल्दी, और जैसे नेम रिएक्शन रिवाइज कर लिए तो कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, तो ऑर्गेनिक का तो उसी में टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि नेम रिएक्शन भी हो गया कन्वर्जन भी हो गया, वही सब आता है उसमें। तो और यानी रही आप बात बाकी फिजिक्स, बिल्कुल बिल्कुल, जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, तो फिजिकल में किसी बच्चे को खासकर दिक्कत जाता ही नहीं, क्योंकि वो चैप्टर सबको जनरली मैथ्स वालों को इजी ही लगते हैं, और इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है हर एक टॉपिक उसका, और रिविजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी मस्ट है उसके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा दिया अच्छे से दिया हुआ है वो सब। तो आपके स्कूल में जो बुक चलती थी केमिस्ट्री की, वही आपने पढ़ी कि कोई एक्स्ट्रा ली? एक्स्ट्रा नहीं लिया मैंने, वही जो स्कूल में चलती थी वही पढ़ी आपने? पढ़ी। ओके, अच्छा, और अब मैं बात करूँगी, क्योंकि ये तो साइंस की बात होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने इस तरह से पढ़ाई किया, लगातार प्रैक्टिस की, बहुत टाइम दिया, फॉर्मूले याद किए, लिख कर पढ़ा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपने लिख लिख के पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए, फिर उसको रिमेम्बर किया, रिवाइज किया बार बार। अब मुझे बताइए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत अच्छा करते हैं, तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये दो अलग सब्जेक्ट हो गए, और हिंदी में कितने मार्क्स थे आपके? हिंदी में मेरे 96 मैक्स मार्क्स हैं, तो 96 और पर इंग्लिश में 93। ओके, तो 96 मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपने हिंदी की पढ़ाई कैसी, हिंदी पढ़ने में मज़ा आता था आपको कि साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है तो हिंदी कम अच्छी लगती है? नहीं, हिंदी ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअली एक एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हम लोग को उतना पढ़ने का मन नहीं करता हिंदी, और ज्यादा टाइम देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि पीसीएम का जो लोड रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हिंदी एक ऐसा है कि कोई भी चैप्टर उठाए और रीडिंग मार ले उसका एक बार, तो एक बार रीडिंग करने से क्या है, हम लोग को स्टोरी पता चल जाती थी, और अब अगर किसी चैप्टर की स्टोरी पता है तो आप इतने बड़े तो हो ही गए हो कि उसको आसानी से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, और रही बात ग्रामर की, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तो स्टोरी एक बार पता चल जाए तो अच्छा खासा नंबर कवर हो जाता था, और बाकी सीन अनसीन पैसेज तो एक 12वीं का बच्चा मेरे हिसाब से जो सही है मैथ्स का तो बिल्कुल डेफिनेटली आराम से बना ही सकता है, तो उतना ज्यादा उसमें प्रॉब्लम तो था नहीं।
अच्छा हिंदी में जैसे आपने कहा आपने पढ़ पढ़ लिया, समझ लिया और फिर अपने शब्दों में लिखा, कहीं हिंदी में आपको रीडिंग करना मतलब लर्निंग करना जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर को रट लेना, या कुछ बच्चे होते हैं व्याकरण की चीज़ों को रट लेते हैं, वैसा किया क्या आपने? मैम क्वेश्चन आंसर को रटा नहीं हूँ, लेकिन एक बार ना उसको पढ़े जरूर है, क्योंकि एक रहता है कि स्टोरी तो मालूम है, लेकिन लिखने का एक तरीका भी होता है कि जो सामने वाले जो चेकर है उनको इम्प्रेस कर सके हम, तो जो लिखे हैं उससे अच्छा से अच्छा नंबर आ सके हमारा, इसलिए एक सटीक शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, तो एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं उसका, उनको रटना नहीं है, क्योंकि हम तो स्टोरी पढ़े हुए हैं तो हम लोग को तो क्वेश्चन देख के समझ में आ ही रहा है कि इसमें क्या आंसर आएगा, बस उस एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे कि किस टाइप का और कैसे कम शब्दों में मतलब एकदम सही शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, फिर अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करना है, तो ऐसे मैं किया हूँ। क्या हैंड जैसे आपने कॉपी कैसे, मैं बोलूँ कि हिंदी की कॉपी कैसे ली, क्या हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है, बहुत स्पेस छोड़ के लिखना चाहिए? अगर जो बच्चे सुन रहे होंगे, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट है वो कहते हैं हिंदी में बहुत बोरिंग है, इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक आप इसमें हिंदी में भी स्कोर नहीं करेंगे या बाकी सब्जेक्ट में, तो आप टॉपर तो बन ही नहीं सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने तीनों में 100% हासिल कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अगर हिंदी और हिंदी इंग्लिश में अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो जो बच्चे इस साल सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं कि नहीं हमें भी टॉपर बनना है, तो आप उनको टिप्स दीजिए कि हिंदी में भी कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएँ। जी मैम, हिंदी में ऐसा है कि अब टिप देने जैसा तो कुछ है नहीं कि कुछ स्पेशल हो, हिंदी में वही है, मैं फिर से वही बोलूंगा कि स्टोरी और जो कविता मतलब कि जितनी पोएट्रीज रहती है उनको एक बार अच्छे से पढ़ के उनका जो जो गाइड है या फिर बुक है उसमें समझने का कोशिश करें, जितना अच्छे से आप समझ पाओगे उतना अच्छे से आप आंसर डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि मैं हर एक का पूरा समरी पढ़ता था कई बार, और एक बुक रीडिंग का है तो बुक रीड कर लेता था, कई बार बुक रीडिंग नहीं हो पाता था तो मैं यूट्यूब के थ्रू एक ऑनलाइन जो है वो लेक्चर ले लेता था कि पूरा उसका स्टोरी टेल हो जाता था, और हमारे लिए तो इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे टीचर थे वो स्टोरी टेलिंग तो करते थे हमें, और वो बताते भी थे कि आंसर कैसे लिखना है, तो ये एक हमारे लिए तो प्लस पॉइंट था कि आसानी से हो गया, और व्याकरण में खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अभी सीजीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें सीबीएसई का जो बुक है वो चलना चालू हुआ है, तो पहले हम लोग का हिंदी ज्यादा टफ हुआ करता था मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, तो मेरे को 12वीं और 11वीं में तो हिंदी बहुत ही इजी लगने लगा, क्योंकि मेरे को पहले का जो व्याकरण है वो थोड़ा ज्यादा टफ लगता था जो पहले के सिलेबस होते थे, और मैं हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं आया, और रही बात बोरियत की तो ऑब्वियसली बोरियत तो होगी, लेकिन एक नंबर बढ़ाने के लिए अब बोरियत को मिटा के पढ़ना ही पड़ेगा, बेस्ट टाइम तो ये है कि आप सो रहे हो तो सोने से पहले कम से कम एक दो पेज तो खत्म कर दो, तो ये तो लगेगा कि हाँ पढ़ा था उस दिन, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। अब आप इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए और कैसे पढ़ा आपने? इंग्लिश में मेरे आए 93 मार्क्स फिजिक्स के जितने ही, और उसमें बस वही है कि उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी है मैम जैसे इसमें था स्टोरी टेलिंग, बस एक है कि आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए कि स्टोरी आप समझ लीजिए जान लीजिए पूरा, और पोएट्री का जितना भी मतलब कि उसका जो मतलब है पोएट्री का उसको भी जान लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिलीवर कर पाओ, आर्टिकल राइटिंग और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लेटर राइटिंग पोस्टर मेकिंग, ऐसा ऐसा चीज है जिनका फॉर्मेट ना वो मैटर कर जाता है, अगर आपका फॉर्मेट सही है तब तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट गलत है नहीं तो फॉर्मेट तो क्या आपको होना नंबर चाहिए? नहीं आप मिलता। नहीं, आप थोड़ा समझाइए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैम फॉर्मेट का ऐसा है कि लेटर का फॉर्मेट मतलब जैसे कि कॉलम में लिखना है कि नहीं, कॉलम के अंदर लिखना है कि कॉलम के बाहर लिखना है, हमको जैसे कि हम उसमें नोट मेकिंग या समरी राइटिंग में एक तो एब्रीवेशन का एक अलग चार्ट बनाते हैं, तो कुछ बच्चे रहते हैं जो एब्रीवेशन को भूल जाते हैं, तो वहां पे एक नंबर कट जाता है उनका सीधा सीधा, और कुछ को पता ही नहीं रहता या फिर दिमाग से निकल जाता है, तो एक लाइन बाय लाइन हर चीज को नोट डाउन करना और पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप चाहे गाइड ले लीजिए चाहे पिछले PYQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि PYQ उठाएं और उसमें देखें कि कैसा टाइप का लेटर है आर्टिकल है, फिर उसको एक बार सॉल्व करना, तो ये ना एग्जाम से पहले मैं 1 महीना पहले चालू कर दिया था सॉल्व करना,
और इसी हिसाब से उसको सॉल्व करते गया, तो एक अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। यानी राइटिंग स्किल और वर्ड पावर, मतलब आपको वर्ड्स, तो ये बताइए वर्ड पावर के लिए क्या आप स्पेलिंग रटते थे, वर्ड्स को याद करते थे, कैसे वर्ड पावर कैसे बढ़ती है, क्योंकि राइटिंग स्किल में आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए। मैम ज्यादा से ज्यादा जो कठिन वर्ड है, मतलब एकदम मुश्किल शब्द है जिसका वर्ड हम लोग को समझ में नहीं आता कई बार, तो ऐसा टाइप का वर्ड ना लिख के एक नॉर्मल शब्दों में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द रहता है जो कि पूरे एक सेंटेंस का काम करता है, अगर आपको वो शब्द नहीं आता तो आप उस सेंटेंस को ही लिख दीजिए। मतलब कि अपने लैंग्वेज को सिंपल रखिए, आपको जितने आता है उसमें लिखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक मत कर दूं। बिल्कुल, थैंक यू नितेश, आपने बहुत अच्छी मतलब एक तो सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे टिप्स भी दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स से बात होती है, जो हम लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं कि नहीं हमने बहुत, हम भी मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने इतने घंटे पढ़ाई की, हम तो 12 घंटे पढ़ रहे थे। आप ये बताइए कि जो एक आप जैसा जो टॉपर स्टूडेंट होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, आपको लगता है उनके एटीट्यूड में कोई चेंज होता है, उनकी प्लानिंग में, उनकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज होता है, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मैं ये मानता हूँ मैम कि परसेंट से ज़्यादा वैल्यू कर जाता है वो मेहनत कितना की है। अगर वो 100% दे चुके हैं अपना वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो स्टेट का टॉपर हो चाहे वो इंडिया का टॉपर हो। अगर आप अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे कि मेरा पहला परसेंटेज से अभी इम्प्रूवमेंट आया है, 11th में मेरा 88% था, तो अभी मेरे इम्प्रूवमेंट आया, तो आप अपने आप को बीट करो, बस कंपटीशन से मतलब मत रखो। अगर आप लगता है कि हाँ मैं बीट कर रही हूँ, कर रहा हूँ अपने आप को, तो उससे बेटर चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए जब हम एक महाभारत में भी बोलते हैं, मैं धार्मिक मतलब कि एक वैष्णव फैमिली से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा धार्मिक भी हूँ, तो महाभारत में भी ये बोलते हैं कि श्रेष्ठ बनने के मतलब कि एक कंपटीशन के माहौल में दौड़ोगे तो कोई ना कोई आपसे आगे बैठे रहेगा, पर जैसे उत्तम बनने के लिए दौड़ोगे, उत्तम अर्थात मतलब अपने आप में ही मतलब बेस्ट बन जाना, अपने आप में रहना, मतलब कि एक सही उत्तम मतलब का मतलब प्रतियोगिता करना, खुद को, हाँ खुद से कॉम्पीट करना, मतलब अपने आप को पीछे छोड़ना, अपने आप को, तो इसकी कोई लिमिटेशन है ना मैम, क्योंकि आज हम इतना परसेंट से वो किए, अब खुद को पीछे छोड़ने के लिए फिर से अगला मेहनत करेंगे, फिर खुद को पीछे छोड़ने के लिए अगले बार फिर उतना मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एंडलेस है, और जो चीज इंफिनिटी तक जा रही है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो टीके से बहुत अच्छी आपने मतलब आपको तो अच्छी मतलब एक आइडियोलॉजी की और महाभारत की भी अच्छी नॉलेज है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और अब आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए, मेरा मान नहीं है, तो मेरे को हमेशा से महाभारत गीता में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इनफैक्ट कई बार मैं गीता का भी पाठ करता हूँ। तो आप ये बताइए, आपने गीता पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, गीता के कौन सी सबसे अच्छी बात है जो स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती है और जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? एक वही है मैम कि मैं ज्यादा एकदम नहीं घुस जाता हूँ इस चीज में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो मैंने पहले तो 18वीं अध्याय पढ़ी है गीता की पूरी, और एक बीच में वो होता है कि जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, एग्जैक्टली सब लोग यही बोलते हैं कि कर्म, मैं भी अभी शुरुआत में ये बोला अपना 100% हो, और रिजल्ट आता नहीं आता वो मैटर नहीं करता, तो यही सब चीज है, और मैं तो उन्हीं की बात बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है सब कुछ। बिल्कुल, मतलब 100% देना चाहिए। अच्छा 100%, बिल्कुल। अच्छा टिकेश, मैं आपकी फैमिली के बारे में पढ़ रही थी कि आपके फादर पान की दुकान चलाते थे, खैर आपके, और लेकिन आपके भाई ने एक उस एक कहता ना एक उन्होंने एक पग बढ़ाया, एक पड़ाव उन्होंने पार किया, वो इंजीनियर है, कहीं फैमिली में जो आपकी पढ़ाई में कहीं आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत आई कभी, जैसे आज अब आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कहीं कोई फाइनेंशियल दिक्कत कभी आई आपको? नहीं मैम, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक, मतलब मेरे पापा पान की दुकान में काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका, बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे को आज तक पापा ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने नहीं दी, कि मेरे लिए कुछ कमी हो ये मेरे को महसूस नहीं होता, तो मेरे लिए
सब कुछ है मेरे पास, मेरे पास ये नहीं है कि मेरे पास किसी चीज की कमी हो या किसी बुक की कमी हो, मैं कुछ चाहूँ ना कर पाऊँ। मेरा भाई आज इंजीनियर है और आपको पता ही होगा इंजीनियर में खर्चा तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी बहुत खेती है हमारी गांव में और फिर दुकान है, तो जो भी है इससे से चल रहा है। एंड मेरा प्राउड फील होता है क्योंकि अगर हम इतने में इतना कर पा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और अगर हो सकता है मेरे पास सब कुछ होता तो शायद मैं इतना हार्ड वर्किंग, मतलब कि इतना ऐसे सोच वाला नहीं होता। तो ये मैं तो अच्छा महसूस करता हूँ अपना कि मैं इस लेवल में हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ मैं ऐसे ही रहूँ कि मैं अच्छा सोचूं, सोच सही रहूं। मतलब कि अगर आपका दिमाग स्ट्रांग हो गया तो आप तो कहीं भी जीत सकते हैं और इकोनॉमिकली उतना कभी ना कभी तो बन ही जाएगा मैम, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं आरटीकेश, आपने बहुत अच्छी बात की कि ठीक है मेरे पापा पान की दुकान चलाते हैं और मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी आपको कमी महसूस नहीं होने दी। और आपका आपका ये जो हौसला है, आपका जो जज्बा है, तमाम देश के, ना केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के तमाम लाखों स्टूडेंट्स को जो तमाम कस्बों में गाँव में रहते हैं और जिनके सपने बड़े हैं और वाकई में टैलेंट की कहीं कमी नहीं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। अब ऐसे मैं आपसे कहूँगी, आप अपने शब्दों में कहिए, तमाम जो स्टूडेंट्स हमारे जो छोटे से गांव में, शहरों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, जहां पर जिनके कह सकते हैं परिवार में तमाम सारी आर्थिक दुश्वारियां हो सकती हैं, जहां पे फैसिलिटी की कमी हो सकती है, इंटरनेट नहीं है, बहुत हायर स्कूल नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, मैं ना एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट को डोमिनेट करने वाले, मतलब कि देखिए हमारे साथ होता क्या है कि अगर कोई गांव से या फिर स्मॉल टाउन से अगर कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो आज तो स्टेट टॉपर हो इसलिए सब अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करने में लगे होते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसा बात, जैसे इंजीनियरिंग की बात हुई तो मेरे को कुछ लोग बोलते हैं क्या करोगे यार इंजीनियर बन के, इतने इंजीनियर है, तो मेरा क्या बोलूं उन लोगों को, मैं ये बोलूं कि क्या करोगे यार 12वीं तक पढ़ के इतने लोग तो फेल हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता माइंडसेट कैसा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, सुनो सबकी, लेकिन करो अपना मन, मतलब अपने मन की ही करो, सबकी बात सुनना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं सब, तो कोई सही हो या कोई गलत, लेकिन किसी भी अगर आप गोल टारगेट कर चुके हो तो किसी की बात सुन के मत हटो। अगर आप जैसे मैम यहाँ से मैं अगर दिल्ली जाना चाहूँ आपके यहाँ, तो मैं यहाँ से चलना तो चालू करना पड़ेगा ना, यहाँ से मेरे को दिल्ली तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरे को सामने का रोड तो दिखते जाएगा, तो उस रोड में मैं पकड़ के चल तो सकता हूँ। तो भले गोल आज दिखाई नहीं दे रहा है, भले मेरे पास अभी सुविधा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बन जाएगा, क्योंकि अगर जब आप चालू कर दी, आप गिव अप नहीं किए हो, तो इस पूरे संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो गिव अप किया हो, मतलब कि आपको गिव अप करवा दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही टिकेश आपने, और इतनी कम उम्र में आपकी इतनी अच्छी समझदारी है, इतनी मैच्योरिटी है, हमें मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है आपकी बात और आपका इंटरव्यू जो स्टूडेंट देश भर में देखेंगे उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी, कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और जैसे आपने कहा कि आप जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करो, चलना शुरू करो। अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ टिकेश, आप जो बच्चे इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं या जो खासतौर पे जो 10th और 12th बोर्ड में आए हैं, एक लास्ट मैसेज, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़, जैसे कि आपने कहा मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है, खुद से कम्पीट करना है, ऐसे दो तीन कहना चाहिए की फैक्टर्स जो एक इंसान को सफल बनाते हैं, जो आप स्टूडेंट से कहना चाहें? की फैक्टर, अच्छा, मोटिवेशन के लिए मैं, जी जी जी, मैं ना एक कहानी सुना था मैम कि उसी को मैं अपने सर से सुना था, तो उसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि ना एक बार ना एक वो रहते हैं, मतलब कि एक शिष्य रहते हैं और एक गुरु रहते हैं। वो शिष्य जाता है गुरु के पास और बोलते हैं गुरु मैं मेहनत कर सकता हूँ पर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मेरे को जरूरत है मोटिवेशन की। गुरु बोलता है कि ठीक है कल सुबह आके तैयार हो जाना। तो दोनों जने जाते हैं नदी के पास और पहले खूब भगाता है उसको, मेहनत करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस शिष्य को ऐसे पकड़ के, सिर में पकड़ के ऐसे डुबो देता है पानी में और उसको छोड़ता नहीं है।
तो फिर से झटपट मतलब कि एकदम हाथ पैर मार के उठने लगता है और वो उठ जाता है और बोलता है अपने गुरु को कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को मारना चाहते हो क्या, आप पागल हो गए हो क्या? तो गुरु बोलता है क्यों, मैंने तुम्हें तो पानी के अंदर बसूंगा। तो वो बोले कि क्या तकलीफ है तुमको पानी के अंदर? वो तो शिष्य बोला कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। गुरु बोले क्यों नहीं ले पा रहे हो भाई, सांस नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? तो बोला सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। तुमको याद रहता है दिन भर सांस लेना? तो वो बोलता है नहीं, मेरे को सांस लेना तो याद नहीं रहता, वो तो अपने आप रहता है। मैं बोला क्यों? तो शिष्य बोलता है कि वो तो मेरी आदत है। बोले बस अगर मोटिवेशन को आप अपनी आदत बना लो, सेल्फ मोटिवेशन ला लो, तो किसी भी मोटिवेशन सेशन की आपको बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो कभी आपकी मोटिवेशन खत्म नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोटिवेशनल वीडियो से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो यही की पॉइंट है कि स्टे मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहना है हमें। बिल्कुल। और स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा कि स्कूलों में जैसे लगता है आपको इस चीज़ का शायद अनुभव है या आपने आसपास देखा होगा कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं मैम इस ये चीज़। बहुत, हाँ आपने देखा ऐसे बच्चों को जो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं? एक्चुअली मैं कुछ भी दूसरे के एक्सपीरियंस से बोलता नहीं हूँ मैम, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैम ये शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है जो कि हर एक के साथ हो सकती है, डिप्रेशन। और हाँ, शेयर करने के लिए अगर कोई है आपके साथ, आप समझ सकते हैं कि हम हर बात अपनी घर और फैमिली को नहीं बता पाते, क्योंकि हम उससे ज्यादा या तो हो सकता है खुले नहीं, या हो सकता है फैमिली में पहले से प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जो कि हमारे टीचर्स सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई काउंसलर है उनसे हम बात करके अगर अच्छा फील कर पाए तो क्यों नहीं। क्यों नहीं अगर होता? डिप्रेशन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सुसाइड ही कर लेगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि वो 5 दिन भी डिप्रेशन में क्यों रहे वो आदमी, बिल्कुल सही जब बात वो है। एक दिन आपको काउंसलर से बात करके अपनी फिर से पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। इसे एक चीज बताइए, आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं, तो जो सरस्वती शिशु मंदिर का कल्चर वो है, जो पढ़ाई का माहौल है, उसने ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कितना मदद की है? देखिए मैम, मैं बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, मेरे को लगता है कि जो अनुशासन है मेरे अंदर, जो कि माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं एक स्कूल का हाथ बहुत ज्यादा रहता है। और हमारा स्कूल, मेरे को लगता है, मेरे को तो अभी भी दुख होता है कि क्यों मैं 12वीं से निकल रहा हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल से पढ़ के उसकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई एक तरफ है और वहाँ का एटमोसफेयर है, तो माहौल है, वो एक तरफ होता है। तो मतलब आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में स्कूल का जो माहौल है, जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, जी और क्या एक्टिविटी होती थी जो जिसने कि जी आपकी पर्सनालिटी को इतनी खूबसूरती से? मैं 9th में बैडमिंटन खेला हूँ, स्टेट इंटर स्कूल स्टेट लेवल तक। और इनफैक्ट मैं स्काउट, आप जानते हो कि स्काउट एंड गाइड्स, तो उसमें मैं गवर्नर प्राइज मेरे को मिला है अरे वाह, अभी वेरी इसी गुड। इसी वर्ष में। यस मैम। तो ये बताइए, आजकल के बच्चों की तरह आप भी फेसबुक देखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, फिल्म देखने जाना, ये भी करते थे आप? फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा आईडी नहीं है मैम, एक्चुअली मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी जरूरत पड़ रहा है कुछ। अभी तक तो मैं कनेक्टेड नहीं था। और रही बात मूवी की, तो मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ और हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अच्छा मूवी तो हाँ शौक रहा है, लेकिन अच्छा अपने टाइम में, जैसे एग्जाम टाइम है तो नहीं, लेकिन अगर फ्री टाइम है एक माइंड फ्रेश करने के लिए तो हाँ, तो मूवी चल रहा है। नहीं तो कहीं ऐसा लगता है कि मूवी देखना या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, टीवी देखना, ये पढ़ाई में हर्डल होता है क्या? सोशल मीडिया अगर मान सकते हैं, क्योंकि वो एक एडिक्शन हो जाता है कि हर 2 मिनट में मोबाइल खोल के देखना, अगर आपका कंट्रोल नहीं है तब, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ भी चीज हर्डल नहीं हो सकता। और रही बात मूवी की, तो वो कहीं ना कहीं अब जरूरी भी हो जाता है मैम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दिन भर पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाता। बिल्कुल। थैंक यू। टिकेश पूरे राज में टॉप हो गया, तो क्या मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदारी के लोग आ रहे हैं, काम बढ़ गया, क्या लग रहा है आपको? फ्री नहीं है मम्मी अब तो। हाँ मम्मी, हाँ काम बढ़ गया है। हाँ
तो ये बताइए, जो मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो टिकेश के बारे में क्या कह रहे हैं आपसे? बधाई दे रहे हैं सब, अच्छा तो नहीं, अच्छा बहुत लगा। अच्छा तो नहीं, आपको उम्मीद थी कि टिकेश जो है पूरे राज्य में टॉप करेगा? नहीं मेरे नहीं, आप ही बताइए, टिकेश पूरे को दिन पढ़ते थे कि बीच में टीवी देख रहे हैं? आपको रोकना पड़ता था कि टीवी मत देखो, पढ़ाई करो? नहीं, पढ़ाई करने के लिए मना करते, थोड़ा आराम कर लो, पर दिन अच्छा पढ़ता रहता। अच्छा तो ये बाहर खेलने ले जाता है, क्या करता है? नहीं जाता, दिन घर ही रहता है दिन। अच्छा तो ये बताइए, आपसे कोई जिद करता है कि मम्मी आज यही खाना बनाओ और मैं ये नहीं खाऊंगा? घर में किस तरह का बच्चा है ये? हाँ, खाने के लिए जिद करता है। क्या जिद करता है, क्या चाहिए इनको, क्या ज्यादा पसंद है? सब्जी में आलू सब्जी बस, अब चावल हो, रोटी हो, पूरी हो, कुछ भी, लेकिन तो सब्जी में आलू होना चाहिए। सब्जी में आलू होना चाहिए। अच्छा तो मिठाई खाना पसंद करते हैं आप इनके? जब ये बताइए, कल इन्होंने टॉप किया तो आपने इनके लिए क्या बनाया? वहां से टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, घर में ही लेते हैं, टाइम ही नहीं मिला, वहां से लाए नहीं। अच्छा एक्चुअली मैम कल तो पूरा बिजी चल दिया ना, खाया ही नहीं हूँ मैं कल खाना। अच्छा तो नहीं, आप मम्मी से बात करो, ये बताओ कि ये बताइए, टिकेश ने पूरे राज्य में टॉप कर लिया, अब आप क्या चाहती है टिकेश आगे चल के क्या बने? ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, क्या बने? उसका सपना है इंजीनियर बनने का, इंजीनियर बने अच्छा बेटा का। चलिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो है पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ की स्पेशल मम्मी बन गई हैं। तो ये थे टिकेश वैष्णो, 12th क्लास के टॉपर छत्तीसगढ़ बोर्ड में, जिन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है, 97.80% उन्होंने मार्क्स हासिल किए। आपने देखा कि बहुत ही एक छोटे से गांव से आते हैं, मुंगेली जिले के, जिनके उनके पिताजी पान की दुकान लगाते हैं, और टिकेश इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पिता पान बेचते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, वो कभी भी मेरी पढ़ाई में बाधा नहीं रही, मेरे परिवार ने चाहे जो भी मुश्किलें सही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी। उन्होंने साथ में सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के टिप्स भी उन्होंने बताए कि किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। और एक जो बड़ा मैसेज उन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स के लिए दिया कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, या किसी भी लैंग्वेज को आप जानने वाले हैं, और चाहे आप किसी पिछड़े इलाके से आते हैं, वहाँ पे तमाम सारी असुविधाएं हो सकती हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बिजली रेगुलर नहीं आती, लेकिन ये सारी बाधाएं आपका मार्ग नहीं रोक सकती। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो आप सफल जरूर होंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।